from the yard. तो गाइस इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अगस्त इलाइट पास का रिव्यू, जो कि होने वाला है सीजन 39। इसका इलाइट पास का बंडल मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगा, ये स्कैरक्रो के थीम पे बेस्ड है। तो आप वीडियो पूरी देखना और बताना आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो हम इलाइट पास का रिव्यू शुरू करते हैं। तो अपना इलाइट पास शुरू होता है सबसे पहले अपना ईपी लॉबी बॉक्स से। तो जैसा कि आप देख सकते हो ईपी लॉबी बॉक्स कुछ ऐसा होने वाला है। आप चलते इलाइट पास के अंदर देख सकते हो आपको अवतार बैनर और ये कार का स्किन है, ये सब नॉर्मल चीज़ें जो आपको सबसे पहले में मिलता है, ये उतना कुछ खास नहीं है। देख सकते हो ये टॉप वॉप है। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर कर लेना, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी फॉलो करते हैं मुझे, और अभी फिलहाल यूजी ने मुझे अपने वीडियो में दिखाया तो उसके बाद से तो फॉलोअर भाई बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप फॉलो कर लेना। तो देख सकते हो यहाँ मेल का टॉप है, जो कि आपको नॉर्मल चीज़ें आपको मिलती ही रहती है। उसके बाद अभी यहाँ पर अपना आने वाला है मेन चीज़, जो कि होने वाला है इसका फीमेल बंडल। तो फीमेल बंडल जैसा कि आप देख सकते हो भाई पूरा आग वाग निकल रहा है इसमें, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा बंडल लगा इफेक्ट में, अच्छा। आप बताना वो कमेंट में कैसा लगा, ठीक है। तो अब जैसे कि आप पे देख सकते हो इसका मैं अलग अलग रिव्यू करके दिखाता हूँ भाई। ये रिव्यू मुझे लगता है शायद से मैंने ही डाला और किसी ने नहीं डाला होगा। ये आपको देख सकते हो इंग्लिश नेम के साथ है, प्लस आपको जो रिव्यू फुल इलाइट पास के 16:9 के रेशियो मैंने डाला है फुल रिव्यू विथ इंग्लिश नेम्स। तो फीमेल बंडल के बाद आता है अपना ये ट्रीटमेंट गन का स्किन, जो कि थीम पे बेस्ड है, मतलब इलाइट पास की थीम पे बेस्ड है। इसमें VFX है नहीं कुछ। उसके बाद अपना यहाँ पे नॉर्मल सा टॉप, जो कि थोड़ा मोड़ा अच्छा है, उतना कुछ खास भी नहीं है। उसके बाद देख सकते हो आप यहाँ पे थोड़ा सा आग वाग टाइप का बना हुआ है स्कैरक्रो के थीम पे इसलिए। और यहाँ पे अपना जो बैकपैक है, बैकपैक तो भाई बहुत ज़्यादा ओपी है, जैसे वो एस्केसाइड का स्केल्टन वाला बैकपैक था उस टाइप से, मतलब लग रहा है थोड़ा मोड़ा इसका लेवल 1-2। अगर ध्यान से देखो तो ये आपको लैम्प जैसा लगेगा लेवल 1 जो है इसका। उसके बाद आपको चलते हैं हम आगे इलाइट पास में। तो यहाँ पर आपको फिर नॉर्मल सा अवतार देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको पैडिंग का स्किन देखने को मिल रहा है। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं भाई, देख लो सबका इंग्लिश में नेम है। आप चाहो तो वीडियो डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ पे डाउनलोड करके, लेकिन अगर आप एक यूट्यूबर हो तब आप डाउनलोड करके मेरी क्लिप दिखा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप भी मेरी तरह इंस्टाग्राम पर डाटा माइनिंग से रिलेटेड पोस्ट करते हो तो यार चुराना मत, मतलब चुराना सही नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये इमोट है, कुछ बहुत अजीब टाइप का इमोट है, बहुत ज़्यादा खास भी नहीं है लेकिन ठीक ठाक इमोट है, जॉम्बी करके इमोट है इसका, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे मतलब गिर रहा है फिर बंदा खड़ा हो जा रहा है, बहुत अजीब सा इमोट है। उसके बाद इमोट से बढ़ते हुए आगे चलते हैं, तो हमें यहाँ पे मिलता है फिर एक और अवतार भाई। अवतार बैनर तो यार बड़े रहते हैं। बैनर के बाद आपको ये सर्वर जो देखने को मिल रहा है भाई, इसको गरेना ने इतनी बार रिसाइकिल किया कि क्या ही कहने, आपको हमेशा दिखता होगा इस सर्वर, मतलब यार रिसाइकिल कर करके हालत ख़राब कर दी सर्वर की। उसके यहाँ पे लूट बॉक्स देख सकते हो भाई, काफ़ी ज़्यादा ओपी सा है वहाँ पे, मतलब कुछ कटर जैसा चल रहा है ऊपर में, गोल गोल घूम रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लूट बॉक्स था उसका। उसके बाद पैरासूट, ये नॉर्मल सा पैरासूट है, कुछ खास है नहीं इसमें। उसके बाद अपना यहाँ पे मेन चीज़ आता है जो भाई मेल बंडल, भाई देख सकते हो पूरा आग वाग निकला हुआ है, स्कैरक्रो का मतलब सेप भी स्कैरक्रो जैसा है, और भाई देख सकते हो बहुत 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 ही ज़्यादा औसम बंडल लगा भाई। अगर आपको VFX अगर आपको डरावना बंडल ज़्यादा अच्छा लगता है तो अभी आपको अच्छा लगा होगा, नहीं तो आपको फिर उतना ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं होगा। तो आपको मैंने पूरा फुल इलाइट पर दिखा दिया इंग्लिश में, तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ही मत भूलना, वहाँ पे 35,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं मेरे, ठीक है। तो जाके जल्दी से फॉलो कर लेना।